इसी बीच एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फिलहाल वो दिल्ली नहीं आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री पद का चुनाव होना बाकी है और भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज है कि एमपी का सीएम अगला कौन होगा। तो शिवराज सिंह ने कह दिया है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे और कल छिंदवाड़ा जा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का इस बीच बड़ा बयान सामने आया और इससे पहले भी उन्होंने कहा था, ना मैं सीएम पद का दावेदार था, ना हूं और मैं दिल्ली भी नहीं जाऊंगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां सातों विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। जिस छिंदवाड़ा विधानसभा में हम विधानसभा की सीटें नहीं जीत पाए, कल मैं वहां जा रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने।